देखो इधर कुछ लिखा है ना, RUST, RUC, छोड़ो इसको, उस पर दिखाता हूँ भाई क्या ही फ्लैट हो रखी है कि पूरी इधर धान की खेती है कि। ठीक है, धान इधर तो हैगा ना, अभी इसको तोड़ू पता नहीं, से अंदर कच्चा माल निकलेगा या पक्का निकलेगा मेरे को पता भी नहीं है। आंखें बंद करते हैं, छुपा के सोच, एक घींच के तोड़ना है बिल्कुल खाट से। चल ब्रो आ गया। देख लो मैं इसको कैसे पकड़े यार, ये लकड़ी, ये लकड़ी मेरे 2 बार लग गई, यही वाली। इसके अंदर चावल होगा कि नहीं होगा? हर गले में अटक गया ये। चावल का तो टेस्ट आ रहा है, चावल ही है नहीं क्या है? अरे देखो, चावल खाएगा है? कराई नहीं मैंने, नहीं बस वैसे फेंक दी। हाँ पेड़ में डाला है मैंने, पेड़ के लिए लाया था मैं। ठीक है, मैंने तो जमीन से मिट्टी उठाई, ये देखो गाइस, ये देखो हाउ गुड इज दिस। इसको चावल नहीं निकलेंगे अभी, इसको घर में ले जाके इसको भूसे में डाल दूंगा, फिर पक जाएगा। इसमें से सीधा ही चावल निकल जाता है। हाँ इसमें से सीधे चावल ले, एक निकल एक जाता है। डाली तोड़, एक ले छोटी वाली ले, चल तो निकाल के मेरे को भी खिलाइयो। थोड़ा बड़ा तोड़ता हूँ ना फिर। चल आ जा घर, चावल थोड़ा ना निकल जाएगा इसमें। आ जा, चोरी करेगा। हाँ बे, तो देखो यार उस पार करना कितना ही बड़ा, एकदम बिल्कुल एकदम समतल मैदान दिख रहा है। जैसे देखो मैं एक लेवल नाप रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, जैसे कि ये दीवार है ना, इस दीवार के इस करेक्ट एकदम इस पर, ठीक है ना भाई? देख लो यार, पूरा एकदम दीवार के एकदम साथ साथ जा रहा है। मैं आंखें बंद करता पर रुकते नहीं थॉट्स, यादों की नमी में भीगा के चौक, मैं उड़ रहा था ख्वाबों में बिन छोटे बच्चों में, यादें नहीं अभी आ, कुछ भी ना जानू ना म्यूजिक क्या जानू मैं, कैसे मिली मुझे राह, लिख दी थी डेस्टिनी राइटर उसकी मेरी माँ। चावल का क्या? चावल के पेड़ में चावल थी डाल दो, पेड़ उग जाएगा। चावल, चावल उगाने के लिए चावल डालना पड़ता है पहले, पता नहीं भाई मुझे। अच्छा देख, कोई सा भी पेड़ उगाने के लिए उसका बीज डालना पड़ता है, ठीक है? सबसे पहला बीज कहाँ से आया होगा जब पेड़ ही नहीं हुआ होगा? तो ये सारे नेचुरल होते हैं। वैसे तो तुम बोल दो मुर्गी कहाँ से आई है? नहीं नहीं भाई, मुर्गी तो अंडे से आई है, पेड़, मुर्गी तो अंडे से आई है। पेड़ यार रिएक्शन से होता है। पहले पता है, पहले ना मुर्गी ही आई है, अंडा नहीं आया, क्योंकि मुर्गी किसी और पक्षी पक्षी के जानवर के मिक्स ब्रीड से मिल मिल के मुर्गी बनी, अंडे में से ही निकली होगी। अबे सुनेगा तू, मुर्गी पता है कैसे बनती है? मेरी एक बात सुनो, अधिकतर चिड़ियाओं के अंडे होते हैं, अब कौन सी चिड़िया होती है जिसके बच्चे होते हैं, सीधा ये बता। अब तो सुन मेरी बात सुन, देख कई सारे जानवर होते हैं, जैसे कि कुत्ते आजकल के मिक्स ब्रीड होकर एक कुत्ता मतलब भेड़िया भेड़िया का रूप ले लेता है ना। अब कुत्ता ऐसा सुन तो नहीं मेरी कि बंदर बात, बन जाए, बिल्ली से शेर बन गया ना,
तो ऐसे कोई चिड़िया विड़िया होगी, शेर से बिल्ली बन गई भाई, पहले बिल्ली थी शेर बाद में बना है। हाँ? हाँ, तभी तो बिल्ली मौसी होती है शेर की, बिल्ली बड़ी है भाई। तो ऐसे ही पता है पहले कोई पक्षी वगैरह होगा, कबूतर पबूतर सा, कबूतर बहुत साल पुराना है, तो फिर कबूतर अपग्रेड होकर कुछ अलग उसने खा लिया होगा। हाँ, छिपकली से अपग्रेड होकर हाँ, कबूतर बन गया होगा। हाँ, पर छिपकली तो बच्चे देती है, बच्चे नहीं अंडे देती है वो भी। अबे हाँ, हो सकता है भाई, ऐसे ही होता है, तुमको नहीं पता। छिपकली के तो पंखे नहीं होते। छिपकली पता है डायनासोर को, उधर पानी आ रहा है बीच में, तो एक समय ऐसा होता उस पर पछवाड़ा रख के बैठता हूँ। वैसे धो तो लिया मैंने, कुछ भी ना मानू ना म्यूजिक का जानू मैं, राइटर रास्ता की जगह इधर से चल। अबे यार भी चल, मैं तो गलत रास्ते से आ गए, लेकिन तू सही रास्ता चुन ले, भाग अर्जुन भाग। तो देखो फुटबॉल खेल के उधर ड्रामा कर रहे बच्चे, गरीब लोग। ये फ्लैट वालों के चोचले होते हैं। ये मेरे को दूसरी जगह क्यों लग रही है, ये वही है। वो उन पन्नी में क्या रखा है, हरी हरी खाद होगी, खाद होगी तो जाके खा ले फिर। ओ ए यार, मैं किस में चल रहा हूँ, देख रहा है? खाद चाहिए तो मैंने भी खाद निकाल लिया, फिर मैं नीचे देख ही नहीं रहा। बाजे का खोल कर, अभी नहीं आया वो, कर मुझे। भाई 6 बज गए, कर ले। तो वो गाड़ी लेकर आएगा, हमें तो बिठाएगा नहीं, वो कहेगा चार नहीं बैठ, नहीं बैठाएंगे ना तो राजा को भी खींच लूंगा, चल बे तू भी पैदल आ। तो इधर देखो, अच्छा इधर चार बंदे हैं एक स्कूटी पे, कैसे आए होंगे? करोल बाग जाएगा ना जब पूसा रोड पे, जब मैं कॉलेज जाता था ना उधर पूसा में, उधर पूरा गोल चक्कर पे, उधर पता है बगल में आदमी बैठता था, उधर ही से बटोरता था, थाली में रख लेता था, फिर वही 10-10 रुपए की बेचता था। एक मैं भी वजीरपुरी आता था ना, वहाँ पे आदमी बैठता था, मतलब कबूतर को दाना खिलाता था, और उसके बाद कबूतर आते थे सफेद सफेद। मैं रोज देखता, मैं को बंदा सही है का, इधर ही का उठा के इधर ही बेचता, इधर ही कबूतरों के आगे से उठा लेता वापस। तेरा कबूतर खाने ही जा रहा होगा, अंकल अंकल मत छीनो। उन्हें बेटा रुक जा, जब पैसे मिलेंगे तब तेरे को डलवाऊंगा। दस दस रुपए की प्लेटें बेचता, सही कमा लेता होगा।